चीन की ताकत आमतौर पर गोपनीयता के लबाते में लिपटी पार्टी कांग्रेस एक अहम आयोजन होता है। चीन पर 68 साल में राज कर रही कम्युनिस्ट ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पार्टी कांग्रेस में क्या क्या होता है इसकी पक्की जानकारी आज भी मिल पाना बहुत मुश्किल है। पहली कांग्रेस 1921 में बेहद गोपनीय तरीके से शंघाई के आसपास हुई थी। इसी कांग्रेस के औपचारिक तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लक्ष्य को तैयार किया गया था। इस कांग्रेस में कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग भी मौजूद थे, हालांकि उस समय वो बहुत युवा थे जब माओ बने नेता। पार्टी की सातवीं कांग्रेस 1945 में उस समय बुलाई गई जब चीन जापान युद्ध खत्म होने ही वाला था। साक्षी प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी के घर यानान में एक बैठक हुई जिसमें माओ सुप्रीम लीडर के तौर पर उभरे। इसी कांग्रेस में माओ के विचारों को पार्टी का विचारधारा का आधार बनाया गया। सांस्कृतिक क्रांति का दौर पार्टी की नौवीं कांग्रेस 1969 में हुई। ये वो दौर था जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति अपने चरम पर थी। सत्ता पर अपनी को मौजूद करने के लिए माओ ने इस क्रांति का इस्तेमाल किया जिससे देश में 10 साल तक भारी अर्थव्यवस्था रही और लगभग गृहयुद्ध जैसे हालात हो गए थे। चीनी चरित्र वाला समाजवाद 1982 में बारहवीं कांग्रेस में चीनी नेता तक सियाओ फिंग ने चीनी चरित्र वाले समाजवाद का प्रस्ताव रखा जिससे चीन में आर्थिक सुधारों का रास्ता तैयार हुआ और देश विशुद्ध कम्युनिस्ट विचारधारा से पूंजीवाद की तरफ बढ़ा। यही वजह है कि आज चीन की चकाचौंध सबको हैरान कर देती है। पूंजीपतियों को जगा कांग्रेस हुई जिसमें औपचारिक रूप से निजी उद्यमियों को पार्टी को सदस्य बनने की अनुमति दी गई। ये अहम घटनाक्रम था क्योंकि आर्थिक सुधारों की बातें चीन में 1970 के दशक में आखिरी सालों में ही शुरू हो गई थी, लेकिन पूंजीपतियों को लेकर फिर भी पार्टी की लोगों की तौड़ियां चौड़ी रहती थी। अचानक उदय 2007 में हुई 17वीं पार्टी कांग्रेस में सी जिनपिंग और ली कचियांग को सीधे नए सदस्य वाली पॉलिटब्यूरो की एलिट स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया, जबकि उस समय वो पार्टी के 25 सदस्य वाले पॉलिटब्यूरो के सदस्य नहीं थे। इस तरह से ये दोनों नेताओं की पांचवी पीढ़ी के सितारों बन गए।